दोस्तों, इस तरीके से वेइंग मशीन आपने देखे होंगे सुपरमार्केट वगैरह में। तो ये जो वेइंग मशीन किस तरीके से काम करती है, इसका प्राइस क्या है, इसके अंदर प्रोडक्ट किस तरीके से चढ़ाना है, और इसके अंदर यानी डेली आपको वेजिटेबल्स का जो चेंजेस वगैरह होती है, प्राइस चेंज होती है, इसके अंदर किस तरीके से अपडेट करना है, इसका प्राइस ए टू जेड मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका रिव्यू भी आपको दे रहा हूँ, और ये जो वेइंग अपने जो बिलिंग सॉफ्टवेयर से वेइंग मशीन किस तरीके से कनेक्ट करती है, और इसमें स्कैन करके आपको बिलिंग किस तरीके से करना, सब कुछ। जी सर, कोई भी प्रोडक्ट इसका ऊपर रख देती है, तो आपने कोई भी नंबर इसको ऊपर लगा देते, कोई कौन सा यानी प्रोडक्ट है, समथिंग लाइक दैट, यानी बहुत सारा आइटम्स आती है इसमें, आपको प्रिंट कर सकता है, तो यहाँ से बार कोड निकल के, प्रिंटर निकल के आती है। तो ये बार कोड आपने देख सकता है, इस तरीके से जो बार कोड होती है दोस्तों, ये देखिए, है ना। ये टू सेट मैं आपको रिव्यू देता हूँ किस तरीके से, क्या है, कैसा है, और यानी फ्रॉम द स्क्रैच। तो सबसे पहले ये जो वेइंग मशीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले इसको स्विच ऑफ कर देते हैं वेइंग मशीन को। सब देखो, इधर नीचे एक बटन दिया हुआ दोस्तों, स्विच ऑफ, ये जो बटन, और ये नीचे जो आपको ये तार वगैरह दिखाई दे रही है, ये जो है सरकार का जो स्टैम्पिंग होता है ये, और ये जो वेइंग मशीन है, यहाँ देखो इसको एक अडाप्टर दिया हुआ है, देखियो ये, और ये जो है उसका पावर सप्लाई है, 6 वोल्ट का जो पावर सप्लाई है, और ये इसका अडाप्टर भी इसके साथ मिलती है, ये जो अडाप्टर 230 वोल्ट में कनेक्ट कर सकता है, और ये आपको सीधा सीधा यहाँ घुसा सकता है, और ये काफ़ी भारी है। ये देखिए, आपने इसको नीचे सपोर्टिंग वगैरह सब कुछ देख सकता है, और इसके बैक साइड में भी आपको यानी ये दिखाई देती है आपको, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले वगैरह, यानी कस्टमर डिस्प्ले वगैरह सब कुछ है इसके बैक साइड में, और यहाँ आपको सब कुछ कंट्रोल होती है। ये जो है आपको स्टेनलेस स्टील का होती है, आपको देखिए, और ये आपको मैंने ऐसे एक्चुअली हाथ से टाइट किया था, एक्चुअली थोड़ा सा स्पाइनर से आपने टाइट कीजिए ताकि हिलेगा नहीं, ठीक है जी। ये इस तरीके से रखना है, और ये हमने इसके अंदर बैटरी होती है, इनबिल्ट बैटरी है इसके अंदर। आपने देखो, मैंने इधर पावर दिया ही नहीं है, इसको मैंने इधर नीचे हाथ डाल करके इसको स्विच, मैंने जो दिखाया है पहले, ये वाला जो स्विच है, इसको ऑन कर लिया मैंने। तो ऑन करने के बाद अपने आप इसको बैलेंसिंग करके इधर 0-0 करके आ जाती है, आप देख सकते हैं इधर 0-0 करके आया हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो हमने इसको थोड़ा सा चार्ज भी लगा देती है, आप चार्ज पे लगाना नहीं लगाना कोई बात नहीं, इसको कम से कम 1 और 2 डेज आपने बिना चार्ज इसमें भी बर्न कर सकता है, और इसके अंदर बैटरी भी थोड़ा सा अच्छा खासा बढ़िया बैटरी है इसके अंदर, चलिए। और इसके साथ साथ ये जो केबल मिलता है, आप देखिए दोस्तों, ये जो केबल आपको मिलती है, ये दो केबल देखो, ये तो केबल का एक साइड में आपने देख लिया दोस्तों, ये जो साइड जो है 9 पिन अडाप्टर है आपका, और दूसरा एंड आपका यूएसबी है, ये देखिए यूएसबी, और ये जो यूएसबी जो है ना कंप्यूटर में लगा देंगे, और ये जो है आपको ये मशीन में लगा देंगे, ठीक है। तो ये मशीन में लगाने के लिए यहाँ देखो पोर्ट दिया हुआ है इसके अंदर, देखो ये मैंने जितना ज़्यादा है ना सब निकाल देते हैं, चलिए, और यहाँ लगा सकता है, ये देखिए COM2 में लगा दीजिएगा, ठीक है, ये COM2, और ये जो है आपको अपना PC पे लगा दीजिए, अपना यानी डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी कंप्यूटर में लगा दीजिए। इसका केबल, लंबा केबल भी आती है दोस्तों, यानी लंबा वाला केबल भी इसके आती है। तो इस तरीके से ये मशीन कनेक्ट होती है दोस्तों, और इसमें जितना प्रोडक्ट ऐड करना सब कुछ मैं आपको 1 by 1 दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी में। और इसके बारे में और एक चीज़ मैं इधर दिखाया नहीं आपको, यहाँ जो बार कोड आती है ना, ये आप थोड़ा सा खोल दीजिए उसको, डायरेक्ट थर्मल स्टिकर रोल है, ये देखिए डायरेक्ट थर्मल, ये डायरेक्ट थर्मल 58x40 mm का जो स्टिकर है डायरेक्ट थर्मल, ये आपको बहुत मार्केट में मिलती है, इनके हिसाब को चाहिए तो हम भी प्रोवाइड कर सकता है। ये इसका अंदर और कुछ नहीं है जी, देखो इसका अंदर सीधा इसको डालना है सीधा सीधा, और थोड़ा सा बाहर रखिए प्रेस, तो ऑटोमेटिकली एक बाहर आ जाती है, दैट्स इट। तो ये मैंने यहाँ घुसा दिया आपको, मैंने कंप्यूटर में घुसा दिया आपको, मैंने दिखाया एक्चुअली। चलिए, अभी हमको इसके अंदर प्रोडक्ट को लोड करना है, ये देखिए दोस्तों, चलिए प्रोडक्ट को लोड करना है, फिर स्कैन करके हमको बिल करना है, सारे सब कुछ हमको देखना है, फिर उसका प्राइस वगैरह सब कुछ आपको जानना है, और ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। सो सबसे पहले हम जाएंगे, देखिए इसमें जो प्रोडक्ट्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स में जाकर के देखिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपको प्रोडक्ट्स में चले जाइए, और इसमें देखो एक टेम्पलेट आपने डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड फॉर्मेट, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड कर चुका है, डाउनलोड करके मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है। सेव करने के बाद दूसरा एक काम करना है, आपने एक कैटेगरी क्रिएट करना है वेजिटेबल्स के लिए।
आपने देखो इधर इधर जाइए दोस्तों, देखो यानी मास्टर एंट्री में इधर देखो कैटेगरी, यानी कैटेगरी एक वेजिटेबल बोल के मैंने क्रिएट किया है। आपने इधर टाइप कर सकते हो वेजिटेबल बोल के, इधर देखो वेजिटेबल कैटेगरी मैंने क्रिएट किया है, और वेजिटेबल्स का एक सब कैटेगरी भी क्रिएट कीजिएगा मास्टर एंट्री में, यानी सब कैटेगरी। इधर देखो सब कैटेगरी में आपको यानी वेजिटेबल्स करके और क्रिएट किया हुआ है मैंने, देखिएगा है ना। इसको इस तरीके से दोनों को वेजिटेबल वेजिटेबल, यानी आपका स्वीट्स है तो स्वीट का क्रिएट कीजिए, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल यानी फिश वगैरह आइटम्स है उस तरीके से आपने क्रिएट कर सकता है। तो इसमें एक आईडी बनता है दोस्तों, ये जो आईडी है ठीक है जी। उसके बाद वो जो एक्सेल एक्सपोर्ट हो चुका है ना, उसमें आपने प्रोडक्ट्स डाल सकता है। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी प्रोडक्ट डाल के फिल करके रखा हुआ है, देखिएगा ये देखिए ये सब कुछ है ना, मैंने उसको प्रोडक्ट का नेम डाला है। ये जो आईडी के जगह पे मैंने थ्री डाला है, थ्री इसलिए डाला है वो पर्टिकुलर सारे वेजिटेबल्स एक ही कैटेगरी में नहीं, ताकि आपको कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी आसान हो सकता है। तो उसके बाद उसका जो परचेज प्राइस यानी सेल प्राइस और डिस्काउंट वगैरह है तो उसको डाल दीजिए, CGST SGST है तो डाल दीजिए, अदरवाइज जीरो डालो, और आपका जो यानी होलसेल प्राइस आपको है तो डालो, और ओपनिंग स्टॉक कितना है वो डाल दीजिए। आपने देखिए ओपनिंग स्टॉक मैंने डाल दिया, और बारकोड आपने डालने के टाइम ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बारकोड जो भी है 4 डिजिट का बारकोड डालना है, 4 डिजिट, क्योंकि ये वेई स्केल से जो बारकोड निकल के बाहर आती है 4+3+3 कैटेगरी में आती है। 4 डिजिट जो है आपकी यानी कितना, 4 डिजिट जो है आपको प्रोडक्ट का कोड, 3 डिजिट आपका किलोग्राम, फिर 3 डिजिट आपको ग्राम्स, यानी टोटल 10 बारकोड से 10 लाइन्स होती है बारकोड में। और इसका जो पीसेस केजी वगैरह जो भी आपने इधर डाल दिया, मैंने पीसेस करके डाल दिया, एक्चुअली केजी डालना था, कोई बात नहीं। आपको इधर देखो MRP वगैरह डालना है, ये डाल दीजिए, ओपनिंग स्टॉक मतलब मिनिमम स्टॉक कितना डाल दीजिए, और आपको देखिए ये भी दिखा देता हूँ, मैंने ओपनिंग स्टॉक भी मैंने डाल के रखा उधर देखो, यानी स्टॉक होलसेल ओपनिंग स्टॉक देखो ना, 100 kg समथिंग लाइक दैट मैंने इसका वेजिटेबल्स का स्टॉक भी डाला। चलो ये एक्सेल शीट आपने इसको सेव कर लेना दोस्तों, सेव करने के बाद आप इसको क्लोज करिए, और ये सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर के आपने देखो, फिर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में चला जाइए दोस्तों। ये मैंने फ्रॉम स्क्रैच आपको दिखा रहा हूँ ठीक है जी। प्रोडक्ट्स में चला जाना, देखिए प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में चला जाने के बाद आपको इसको इस तरीके से इंपोर्ट एक्सेल में दिखाना करना है इंपोर्ट। तो ये इसको सेलेक्ट करेगा ना, ओपन करेगा तो वो प्रोडक्ट आपको तुरंत इसके अंदर इंपोर्ट होती है, और उसके बाद इसको देखो सेव बटन में क्लिक कर देना दोस्तों, सेव बटन में, तो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको सक्सेसफुली सेव हो जाती है सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर ध्यान से सुनिएगा जी, मात्र ये कंप्यूटर में सेव हो चुका है वो प्रोडक्ट्स का नाम, इसके अंदर सेव नहीं हुआ अभी तक। तो कैसे करेंगे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए टेक्नोलॉजी है Raintech का जो हाइपरडेशन सॉफ्टवेयर में, जो वेइंग स्केल के कंट्रोल टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या जानना है, कॉम पोर्ट क्या है। तो ये जो आपने USB इसमें कनेक्ट किया है, इसको कौन से कॉम पोर्ट में कनेक्टेड है आपको देखना चाहते हैं, देखना है तो उसके लिए माइक कंप्यूटर में चला जाना, आपने कंप्यूटर PC या PC इसमें आपने राइट क्लिक कीजिए, और इसमें देखो मैनेज बोल के आपको दिखाई देते हैं, मैनेज मात्र कॉम पोर्ट आपको चेक करने के लिए ठीक है जी। PC एंड राइट क्लिक कीजिए और मैनेज, मैनेज में क्लिक करने से एक विंडो आपके पास आती है, देखो डिवाइस मैनेजर बोल के आती है, डिवाइस मैनेजर, उसमें डिवाइस मैनेजर में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इधर देखो पोर्ट बोल के दिखाई देते हैं पोर्ट्स, ये देखो COM5 बोल के आया, वो ये आपको थोड़ा सा याद रख देना COM5, वो किस लिए है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। सॉफ्टवेयर में आप खोलने के बाद ये देखो, ये कई सारे USB होती है ना जी, कंप्यूटर को पता करना है कौन से USB या कॉम पोर्ट में कनेक्टेड है, सिंपल यानी इसके अंदर देखो यूटिलिटीज़ में आपने चला जाइए, यूटिलिटीज़ में जाने से बाद सबसे नीचे आपको दिखाई देता है वेइंग मशीन कंट्रोल सिस्टम्स है ना, इसमें आपने क्लिक कर दीजिए। प्रोडक्ट्स कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स जनरेट करके बोल के सबसे ऊपर दिखाई देती है आपको, तो इसमें आपने देखो जो कैटेगरी आपने क्रिएट किया था आपने इधर टाइप कीजिए वेजिटेबल्स, VEGITABLES, स्पेलिंग गलत डाला, यस वेजिटेबल बोल के मैंने डाल दिया, तुरंत वो जितना वेजिटेबल में आपने जो प्रोडक्ट अपलोड किया था ना जी, सब कुछ यहां आ चुका है। आप इसको सीधा एक्सपोर्ट बटन में क्लिक करिए दोस्तों, जो वेजिटेबल सारे एक्सपोर्ट करेंगे हम PLU यानी PLU लिस्ट, PLU कहता है इसको, जिस इसका जो बारकोडिंग का टेक्नोलॉजी है इसको PLU मास्टर कहता है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया।
होने के बाद आप इसको सीधा मिनिमाइज कीजिए. ये जो डेस्कटॉप पे आपको जो आइकन दिखता है ना, जो यानी इसका जो सॉफ्टवेयर का बिलिंग सॉफ्टवेयर रेंटेक पीएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का, इसका फाइल लोकेशन में एक बार चला जाइए अपने. देखो फाइल लोकेशन, फाइल लोकेशन में चला गया मैंने. देखिए ये इधर देखो एक ही एक्सेल फाइल आपको इसके अंदर देखो ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल किया बीच में एक एक्सेल फाइल मिलती है. देखो PLU डेटा CSV, इसको खोलिए दोस्तों. इसको खोलने के बाद एक चीज़ आपने करना है, इसको जो नंबर्स होती है ना जी, ये जो नंबर्स आपको देखो इधर, ये इसको PLU नंबर 1 डालो, इसको 2 डालो, इसको 3 डालो, इसको 4 डालो, इसको 5 डालो, इसको 6 डाल दीजिए. और इसको पकड़ कर खींच भी सकता है. ये मैंने क्यों ऐसा किया है, ये बटन नंबर 1 ढाल के लिए होता है. ये बटन नंबर 2, इसमें जो बटन नंबर 2 होता है ना जी वो गार्लिक होती है. बटन नंबर 3 आपको जिंजर हो गया, बटन नंबर 3 जिंजर. इस तरीके से आपको बना बना के डाल सकता है. और इसका देखो एक चीज़ आपको वेरी क्लियरली आपको डाल के जाना जी, इसको यानी यूनिट आपने 0 डाल दीजिएगा सबको. ये कंपलसरी डाल दीजिए, KG के लिए 0 होता है यानी सॉफ्टवेयर इसके अंदर. 1 मतलब मेरे ख्याल से पीसेस, 2 लिखा गया तो इधर लीटर्स, इस तरीके से यूनिट है इसके अंदर, है ना. तो बिल्कुल आपने 0 डाल दीजिएगा, ठीक है, बस इतना ही करना है. और यूनिट डाल दिया आपने, PLU नंबर डाल दिया, बस इसको दोबारा सेव कीजिए दोस्तों. यस कर दीजिए और मैंने इसको फिर क्लोज करने के टाइम फिर यस मांगेगा, यस कर देना. वो रिप्लेस हो रहा है फाइल, ठीक है जी, यस कर देना रिप्लेस, यस. तो फाइल आपने जो भी चेंजेस कर दिया उसको रिप्लेस कर दिया, क्लियर. तो उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए दोस्तों. दोबारा आपने आइए अपना बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर और यहाँ जाइए अपने फिर यूटिलिटीज़ के अंदर, यूटिलिटीज़ में. और यहाँ देखो आपने यूटिलिटीज़, इधर देखो वेइंग कंट्रोल. अभी इस वक्त आपने जाना है प्रिंटर स्केल में चला जाना दोस्तों. देखिए यूटिलिटीज़, वेइंग मशीन, प्रिंटर स्केल. चलो ये जो विंडो आया, अभी हमने एक चीज़ आपको दिखाया था ना, आपको कॉम फाइल बोल के हमने कहाँ देखा था, वो अभी काम पे आता है. देखिएगा सेटिंग्स, कॉम पोर्ट सेटिंग्स, यहाँ देखो दूसरा कोई पोर्ट अगर पड़ा है तो आपको सेलेक्ट कर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके कॉम 5 कर देना दोस्तों, तभी जाकर के इसको कनेक्ट होती है, ठीक है जी. और कोई भी चेंजेस नहीं करना, सिर्फ सीधा सेव कर दीजिए कॉम 5 करके, क्लोज. और इसके बिल्कुल ठीक बाद में आपको दिखा देते हैं ट्रांजैक्शन. क्लिक करिए PLU मास्टर. आप जो एक्सेल अभी थोड़ा सा चेंजेस किया था ना अभी रिसेंटली, वो यहाँ क्लिक करने से इसके अंदर इम्पोर्ट होती है, इम्पोर्ट एक्सेल. देखिए इसमें 1 करके जो ढाल किया था, 2 करके या गार्लिक किया था, KG सब कुछ आपने 0 कर दिया था तभी KG आया, है ना. ये अभी एक क्या करना है आपने, ये बिल्कुल ठीक नीचे इसको बटन दिया हुआ है सेंड टू स्केल. अभी देखो इधर 0 दिखाई दे रहा है आपने, दिखाई दे रहा है ना आपको. मैंने अभी जस्ट सेंड टू स्केल बोल के बटन में क्लिक कर, ये देखो इसके अंदर सेंड टू स्केल हो जा रहा है दोस्तों. यहाँ सेंड होने के बाद सेंडिंग डन करके यहाँ आ चुका, देखिए सेंडिंग डन, यानी आपने देख लिया ना इसको सेंडिंग डन, यानी नंबर 1 PLU नंबर 1 आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दाल, गार्लिक, जिंजर. मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ. ये मैंने कुछ प्रोडक्ट कुछ वजन रखा, समझ लीजिए नंबर 1 ये ढाल करके इधर आया हुआ है, मैं प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ. देखिए ढाल, ये देखिए ढाल, ये सॉरी ये ढाल इसमें प्रिंट हो चुका है दोस्तों, है ना. इस तरीके से ढाल इसमें प्रिंट हो चुका है. इसको कहाँ दिखाएं ढाल, देखो सबसे ऊपर है बारकोड का, ठीक ऊपर आपको दिखाई देती है ढाल. और हमने इसको नंबर 2 प्रेस करेंगे, ये गार्लिक आ गया दोस्तों, ये देखिए उतना वजन का गार्लिक प्रिंट हो चुका है. ये मैंने इधर थोड़ा सा लगा देते हैं आपको, मतलब हम बाद में इसको स्कैन कर ले. देखो इसको बारकोड का ठीक ऊपर गार्लिक दिखाई देती है, उसका वजन, उसका KG सब कुछ आती है, ठीक है. और हमने 3 डालेंगे, कुछ वही चेंज कर देते हैं और आपको तभी समझ में आ जाएंगे वो. ये देखिए तो इसमें जितना ग्राम, 1 KG का वजन से ऑटोमेटिकली वो ले लेती है दोस्तों. ये जिंजर है, देखिए ये जिंजर, समझ में आ गया ना ये आपको. इस तरीके से आपको मतलब बार कोड निकाल के प्रोडक्ट में चिपका सकता है. तो उसके बाद हमने बिलिंग इस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों. Raintech यानी हाई प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर में चला जाइए दोस्तों आपने. और इसका देखो सेलर पैनल में आपने चला जाइए, देखो सेल पैनल. और कीबोर्ड आपने F1 क्लिक किया तो ये सेलर पैनल खोल जाती है. और ब्यूटीफुल सेलर पैनल, इसमें आपने देखो यहाँ जा करके आपने POS ऑप्शन सेलेक्ट कर देना दोस्तों. POS, ये POS ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको देखो इधर एक बारकोड आपको दिखाई देती है, वेइंग मशीन बारकोड. इसको आपने लगा दीजिए और अपना जो गन उठाइए दोस्तों, इसको स्कैन करिए, जिंदर को स्कैन करेंगे, ठीक है.
ये ऑटोमेटिकली जिंजर करके यहाँ पे भी आया, देखिए ये को देखो जिंजर करके आया है, और क्वांटिटी 328 ग्राम से, इधर भी आपको 328 ग्राम से उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेट होती है दोस्तों। और दोबारा आपने इसको स्कैन करते देखो ये जी, और तीसरा दियो आपको इसको ढाल, सारा प्रोडक्ट इधर आ चुका, देखिए दोस्तों जिंजर गार्लिक और ढाल, इसको दोनों को मैंने हमने सेम प्राइस सेम वजन डाला था और प्राइस इसका अलग अलग था यूनिट प्राइस, और इस तरीके से आया हुआ है। आपने देखो F12 भी लगा दीजिए, और ये देखो ये जो F12 बटन और सेव एंड प्रिंट बटन F2 लगा दीजिए, आपको प्रिंट आ जाती है, ये इंटर मार दीजिए, यहाँ से आपको यानी थर्मल प्रिंटर से आपको बिल आ जाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों द ब्यूटीफुल इनवॉइस, शॉर्ट इनवॉइस, एकदम ब्यूटीफुल तरीका से आपने देखिए दोस्तों सारे आइटम्स को पढ़िए दोस्तों, देखिए ये जो गार्लिक्स वगैरह सब कुछ है ना, ये देखिए ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों। रेनटेक हाइपर एडिशन सॉफ्टवेयर में आपको अपना बिजनेस या सुपरमार्केट वगैरह में इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना है तो आप फील फ्री हमें कॉल करिए दोस्तों। इन केस आपका यानी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो जाती है तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ देखो यूटिलिटीज़ के अंदर जाना है, प्रोडक्ट बल्क एडिटर बोल के है, देखो प्रोडक्ट बल्क एडिटर, इसमें चला जाइए आपने, प्रोडक्ट बल्क एडिटर, बल्क एडिटर में सारे के सारे प्रोडक्ट आपको दिखाई देती है, और यानी आपको फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको एक फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा अपना देखो गार्लिक, गार्लिक का प्राइस अभी देखो 50 सेल प्राइस हमने 28 डाला ना, 28 से हमने 10 रुपया कर दिया एग्जाम्पल है ना, परचेज प्राइस भी हमने चेंज कर देते हैं फॉर एग्जांपल 5 रुपया, इसको मैंने इस तरीके से चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको आपने देखो इधर देखो सेव बटन में क्लिक कर दे रहा हूँ, सेव बटन देखिए, सेव बटन प्राइस चेंज, सारे के सारे प्रोडक्ट का प्राइस यानी एक ही जगह से आपको मतलब चेंज कर सकता है यानी एक्सेल शीट में यानी अपलोड कर सकता है। अभी देखिए अभी देखो ये जो गार्लिक का प्राइस है दोस्तों अभी 10 रुपया है, ठीक है जी 10 रुपया रिटेल प्राइस, अभी आपको मैजिक में दिखा रहा हूँ, देखिएगा अभी आपने क्या करना है, सेम टेक्नोलॉजी में आपने काम करना दोस्तों। ये सब नीचे रखिए, पहले का गार्लिक का स्टिकर इधर सेंटर में रखा है यानी यूनिट प्राइस 28 रुपीज़। अभी आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो मास्टर में आपने चला जाइए, एक्सेल शीट में डायरेक्ट एक्सेल शीट में आपने चला जाइए, वहाँ से भी आपने चेंज कर सकता है, और आपको जो PLU एक्सपोर्ट कर सकते हो, दोनों ऑप्शन में दिखा रहा हूँ, देखो यूटिलिटीज़ के अंदर जाके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने चेंज किया तो दोनों जगह जाकर करना मुश्किल होता है आपको, इसलिए करके एक ही जगह से आपने कर दीजिए। प्रोडक्ट जनरेट आप इसको देखो देखो कैटेगरी में VEGITABLE वेजिटेबल, तो अभी देखो इसको जो गार्लिक का प्राइस अभी इसमें भी 10 रुपये दिखा रहे हैं ना आपको, इसमें कोई चेंजेस कुछ नहीं करना है आपको, मात्र इसको एक्सपोर्ट एक्सेल में करना है, एक्सपोर्ट एक्सेल में क्लिक कर दिए, क्लोज कर दिए दोस्तों। अभी अपना जो PLU एक्सपोर्ट हो चुका है इसको राइट क्लिक कीजिए और इसको देखो ओपन फाइल लोकेशन में एक बार जाइए, वो यूनिट एक बार आपने चेंज कर देना, देखो इसको डबल क्लिक कर दीजिएगा, और ये जो नंबर है ना जी PLU नंबर एक बार आपने अपने हिसाब से दोबारा डाल दीजिएगा 1 2 3 करके, वो सॉफ्टवेयर के अंदर जो यूनिट मतलब सीरियल नंबर है उसी के हिसाब से आती है, और यहाँ 0 डाल देना आपने 0 बस, और कोई चेंजेस नहीं करना है। इनकेस आपको यहाँ चेंज करना है तो आप ऑफकोर्स आपको कर सकता है, आपको इसमें एक चीज़ देखे होंगे आपको इसका जो प्राइस, इसमें भी गार्लिक का प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ 10 रुपीज़ आया हुआ है, ठीक है ना, इसको आपने सेव कर दिया, यस कर दिया, और जितना भी प्राइस का हमेशा चेंज होती है आपने इस तरीके से इसको हैंडल कर सकता है, यस कर दिया और रिप्लेस कर दीजिए आपने यस, चलो इसको यस कर दिया, क्लोज कर दिया दोस्तों। अभी क्या करना है, ये जो अपडेटेड प्राइस आपको फिर वेइंग मशीन के अंदर डालना है, अभी करंटली यानी ये जो गार्लिक का प्राइस है 28 रुपीज़ है, आपको इधर भी दिखाई देती है 28 रुपीज़, इधर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है ना 28, इसको हमने चेंज करने वाला, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप दोबारा सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिए, यूटिलिटीज़ में जाइए, वेइंग मशीन कंट्रोल, वेइंग मशीन देखो इधर स्केल बोल के आपको दिखाई देते, देखो ये वाला है ना यूटिलिटीज़, ये देखिए स्केल, फिर आपने उसके इसको ऑलरेडी हमने सेटिंग किया था, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांजैक्शन में PLU मास्टर में चला जाइए, आपने मस्ट इंपोर्ट एक्सेल कीजिए अभी, क्योंकि अभी करंटली ये जो गार्लिक का प्राइस PLU सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ा है 28 रुपीज़, आप जैसा एक्सपोर्ट बटन क्लिक करेंगे वो बदल जाएंगे, देखिएगा ये देखिए तुरंत बदल गया दोस्तों, तुरंत आप इसको सीधा यानी सेंड टू स्केल बोल के डाल दीजिए, सेंड टू स्केल, अभी स्केल पे सेंड हो रहे हैं,
ट्रांजैक्शन हो रहा है, देखिएगा सेंडिंग डन, सेंडिंग डन, इसको क्लोज कर दीजिए। अभी मैंने दोबारा गार्लिक का वजन कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये समझ लीजिए गार्लिक, ठीक है। अभी मैं दोबारा उसका नंबर कौन सा था गार्लिक का, देखो नंबर टू था, यस नंबर टू। अभी इधर भी टेंट दिखाई दे रहा है, शायद आपको कैमरा में नहीं दिखेंगे, मैंने प्रिंट दबा रहा हूँ दोस्तों, देखो वजन चेंज हो गया, मतलब यूनिट प्राइस चेंज कर दिया दोस्तों, ये 10 रुपये लेके आया दोस्तों, ये देख रहे हैं ना, और पहले कितना था 28 रुपीस। यानी आपको ये भी समझ में आ गया किस तरीके से, ये पहले के जो प्राइस है ये 28 रुपीस, ये अभी जो है 10 रुपीस, 10 रुपीस जो के जी प्राइस है, यानी 1 kg, तो 628 ग्राम से 682 ग्राम हमने वजन रखा है इधर, तो उसी का हिसाब से 6.82 रुपीस है ना बिल आना चाहिए जब स्कैन करेंगे। मैंने इसको स्कैन कर रहा हूँ दोस्तों, हम देखो सही एंट्री में चला जाइए, आपने इसको अपने बार कोड के स्कैनर उठा करके मैंने स्कैन करने वाले, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बार कोड यहाँ देखिए रखिए अपने वेइंग मशीन का, इसमें आप इसको स्कैन करिए, आप देखिए दोस्तों, हम इसमें जो यानी ये मैंने थोड़ा अलग से इधर रखेंगे ताकि आपको दिखाना है, फिर ऐड कर दिया मैंने और सेव कर दिया और एंटर मार रहा हूँ मैंने, यस। अभी जो इनवॉइस आएंगे आप थोड़ा सा देख लेना दोस्तों, और इसको भी देख लेना साथ साथ, साथ साथ देखिए दोस्तों, इसमें जो कितना 6.28, क्या आइटम है गार्लिक है ना, गार्लिक 6.82 है ना जी, ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों रेनटेक हाइपर एडिशन सॉफ्टवेयर में, ये आप देखिए दोस्तों थोड़ा तो ब्यूटीफुल वे में इसको बनाया हुआ है, आप देख सकता है। और ये जो इसका बाकी भी मैं बताता हूँ आपको, ये जो वेइंग मशीन 17,500 रुपीज़ है दोस्तों, ये जो वेइंग मशीन का जो प्राइस यानी मे बी 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा होंगे आपका जो शिपिंग एंड समथिंग लाइक दैट, 17,500 इंक्लूडिंग GST का प्राइस है, यानी ये इसका प्राइस है। प्लस इसके साथ साथ ये केबल आपको मिलती है, जो वाइट कलर केबल जो कंप्यूटर से कनेक्ट किया, चार्जर मिलती है, सब कुछ मिलती है, पेपर रोल एक या दो रोल मिलती है, बाकी आपको चाहिए तो आपको 120 या 150 रुपीज़ में पर रोल मिलती है, एक रोल में मेरे ख्याल से 500 या 300 स्टिकर्स होती है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है स्टिकर्स, और 2000 प्रोडक्ट्स इसके अंदर लोड कर सकता है, और रेनटेक हाइपर एडिशन सॉफ्टवेयर में ब्यूटीफुल तरीके से आपको इसको यानी कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकता है दोस्तों। दिस इज़ रेनटेक सॉफ्टवेयर का जो वेइंग मशीन कनेक्टिविटी का टेक्नोलॉजी है, और इसका लंबा केबल डालने से दूर दूर में लेके जाके रखिए आपने, तो कहाँ से भी इसको ऑपरेट कर सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।